नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आप हर दिन एक ऐसी हस्ती की कामयाबी की दास्तां से रूबरू होते हैं जिसने विषम परिस्थितियों से लड़कर कामयाबी हासिल की। आज की कहानी में हम आपको रूबरू करवाएंगे सफीन हसन से। इन्होंने साल 2017 की यूपीएससी की परीक्षा में 517वां रैंक हासिल किया। सफीन हसन की कामयाबी की तमाम खूबियों में से एक उनकी उम्र भी है। उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 22 साल की उम्र में हासिल कर ली। 22 साल की उम्र में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने सफीन हसन को बतौर आईपीएस अधिकारी जामनगर में नियुक्ति दी गई। वो 23 दिसंबर से पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। गुजरात के सूरत के रहने वाले सफीन की प्राइमरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से गुजराती मीडियम से हुई। 10वीं में 92% आए। 11वीं से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करनी चाहिए। उसी साल जिले में प्राइमरी स्कूल खुल रहा था लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, पर सफीन की आधी से ज्यादा फीस माफ कर दी गई थी। एक बार प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर आए तो सब उन्हें सम्मान दे रहे थे। ये देखकर सफीन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलेक्टर के बारे में पूछा तो बताया गया कलेक्टर किसी जिले का राजा जैसा होता है, अच्छी पढ़ाई करके कलेक्टर बना जाता है। तभी सफीन ने कलेक्टर बनने की ठान ली। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। तब गांव के हुसैन भाई और जरीना बेन ने मदद की। यूपीएससी मेंस के चौथे पेपर में चंद मिनट पहले सफीन का एक्सीडेंट हो गया। सुबह 9 बजे परीक्षा थी और सुबह 8:30 बजे बाइक से फिसलने से उनके घुटने, कोहनी और सिर में चोट लग गई। इसके बाद भी वो पेन किलर खाकर खुद बाइक चलाकर एग्जाम सेंटर पहुंचे और पेपर दिया। एग्जाम के बाद जांच कराई तो घुटने का लिगामेंट टूटने का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि पैर का ऑपरेशन जरूरी है, जो उन्होंने इंटरव्यू के बाद ही कराया। सफीन के माता पिता हीरे की यूनिट में नौकरी करते थे। साल 2000 में उनका घर बन रहा था। उसी दौरान मंदी के चलते माता पिता की नौकरी चली गई। घर चलाने के लिए दोनों ने दिन रात मेहनत की। माता पिता दिन में मजदूरी करते और रात में घर के लिए ईंटें ढोते। पिता ने घरों में इलेक्ट्रीशियन का काम किया। दूसरी तरफ माँ ने घर घर जाकर रोटियां पकाई। साथ ही माता पिता रात में ठेले पर उबले अंडे और ब्लैक टी बेचते। माता पिता के संघर्ष को देखकर समझकर वो हमेशा सोचते कि उनके लिए कुछ करना है, और उन्होंने अपने जज्बे को पूरा करके भी दिखाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।